नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फोकस अप्रिंट पिंटी में आपका स्वागत है। ये हमारा माइंड बूस्टर का अगला सीरीज है। इसमें हमने सारे सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन आंसर जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें शामिल किया है। आप इसे फॉलो करते रहिए। पहला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो ये थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम लिखा हुआ था, और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसके समय में 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? तो अकबर ने सम्मानित किया था हरि विजय सूरी, इन्हें जगत गुरु कहा था अकबर ने। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन विदेशी राजा कौन था? तो अशोक के समकालीन विदेशी राजा थे मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, जिन्हें टॉलेमी द्वितीय भी, टॉलेमी सेकंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी, और यह हुई थी 1817 में, राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कराई थी। और 1870 में लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कराई। लॉर्ड लिटन ने 1876 से 80 के समय में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट में विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो शारदा एक्ट में लड़की की आयु 14 ईयर्स और लड़के की आयु 18 ईयर्स निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी मिली? तो भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी मिली थी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत के लोगों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो पाया था। अगला प्रश्न है, कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल होती है धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली, कपास, बाजरा, मूंग आदि, और एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है फसलों के बारे में। तो यहाँ पे हमने आपको लिस्ट दी हुई है, फसलें कितनी प्रकार की होती हैं, किस समय बोई जाती हैं और उस समय में कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे खरीफ के फसल की, खरीफ क्रॉप की। और खरीफ क्रॉप बोई जाती है जुलाई से अक्टूबर में, जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट लिया जाता है खरीफ की फसल को। और इसमें उत्पादित फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, तिल, मूंगफली। इसके बाद रवि की फसल है, रवि की फसल का, रवि क्रॉप का समय है अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है इसे। तो रवि की फसलों में उत्पादित फसलें हैं गेहूँ, चना, सरसों, मटर, जौ और मसूर। इसके बाद है जायद की फसल, तो जायद क्रॉप है, मार्च में इसे बोया जाता है और जून में इसे काट लिया जाता है। इसमें उत्पादित फसलें होती हैं जायद में ककड़ी, तरबूज, खरबूज और सब्जियां। अगला प्रश्न है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो यह नदी है दामोदर। दामोदर पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली नदी है। इस नदी के जल से दामोदर घाटी पनबिजली परियोजना चलाई जा रही है। दामोदर को बाढ़ के कारण पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, अब इसे प्रदूषण के कारण बंगाल का शोक कहा जाता है। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच इस नदी का जल खानों, इंडस्ट्रीज, शहरों आदि को प्रदूषण कर रहा है और यह अत्यंत प्रदूषित है, इसलिए इसे जैव मरुस्थल कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बंदरगाह खुला सागरीय बंदरगाह है? तो यह बंदरगाह है मुंबई। मुंबई एक खुला सागरीय बंदरगाह है और यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। चेन्नई कृत्रिम और प्राचीन बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? तो मृत सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है और मृत सागर है इजराइल जॉर्डन में। सागर की अगर हम बात करेंगे तो मृत सागर में लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऐसे अगर झीलों में बात करेंगे तो झीलों में वान झील जो है यह तुर्की में है और इसकी लवणता सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी 2695 मीटर है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर नीलगिरी पहाड़ी का दोदा बेट्टा है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून तब बनाएगी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है कि विषय राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है। यदि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है तब संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो ये थे स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल फोकस अप टू इनफिनिटी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू। Yeah.